वेदराज जी। माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं है, महाराज जल्दी होश में आ जाएंगे। महारानी जी, कंचन और कपूरी आ गई क्या? हाँ महाराज, खबर पहुंच गई है, वो लोग आते ही होंगे। पिताश्री, महाराज महाराज महाराज, देखिए आपकी दोनों बेटी आ गई है। बेटी कंचन, कपूरी। पिताजी कैसे हो? कपूरी, बेटा कंचन। पिताश्री, आप जैसा वीर पुरुष इतना चिंतित क्यों हो? हाँ पिताजी। बेटा, अब मेरा आखिरी समय चल रहा है, पता नहीं कब तक ये शरीर मुझे साथ देगा। लगता है कि राजगादी किसी को सौंप दूं और सन्यास ले लूं। बेटा पृथ्वी। प्रणाम नाना जी। आओ मेरे पोते, आओ, तुम्हें देखता हूँ तो मेरी इन दो आंखों में एक चमक आ जाती है। बेटी संयुक्ता, तुम्हारे पिताजी जेतंग कैसे हैं? पिताजी ने राज्य जीतने के लालच में लड़ाई के लिए दूसरे जगह गए हैं, क्यों दादी माँ? हाँ बेटा, एक बार राजगद्दी में बैठने के बाद हर एक राजा का मन राज्य जय करने के लिए उतावला हो जाते हैं। दादी माँ, मैं यार पृथ्वी बाहर खेलने जाए? हाँ बेटा। चल पृथ्वी। बड़ी बहन, क्या देख रहे हो? यही कि दोनों का जोड़ी कितना सुंदर लग रहा है, परंतु ये जोड़ी अखंड रहे ये सपना पूरा होना भी मुश्किल है। कारण कनौज राज जयचंद तो चौहानों को हमेशा नफरत करते हैं। संयुक्ता, चौहानों के नाम से भारतवर्ष के सभी राजपूत कांपते हैं। पर मैं तुम्हें देख के नहीं कांपती हूँ। फिर भी अगर तुझे हिम्मत है तो हम शादी वाला खेल खेले, और अगर तुझे शादी में आमंत्रण ना मिले तो? हाँ हाँ पृथ्वी, फिर तू क्या करेगा? देव अनिरुद्ध ने जैसे उषा का हरण किया, ऐसे मैं भी तुम्हारा हरण करूँगा। जन्मों जन्म मैं तेरा तू मेरी रे। ओ बालम सातो जन्म, तू मेरा तू साथिया रे, मैं तेरी तू मेरा रे। हो बचपन की प्रीत जो भूल ना भूला, भूल ना भूला। बचपन की प्रीत जो भूल ना भूला, भूल ना भूला। पहली प्रीत से दिल धड़क जा, तुझे हाय जुबा से न कहे जाए, दिल हाय मचल जाए जब भी देखो तुझे हाय। खाले कसम जन्मो जन्म, खाले कसम जन्मो जन्म, तू मेरी मैं तेरा रे। ओ बालम जन्मो जन्म, मैं तेरी तू मेरा रे, तू मेरा तू साथिया रे। आज फिर मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। सुखी रहो बेटी, मैंने मेरी गद्दी
पृथ्वी को देने का निश्चय कर लिया है। इनके ऊपर आपका पूरा हक है पिताजी, परंतु तलवार का सामना करने के लिए तैयार रहना। किसकी तलवार? मेरा बेटा जयचंद राठौर का। कारण वो हमेशा बोलता है राजनीति में कोई रिश्ते का स्थान नहीं। संयुक्ता, लो ये मुद्रिका, मैं तुम्हें अपनी तरफ से भेंट दे रहा हूँ। पृथ्वी, तुम्हारे भेंट को मैं जिंदगी भर संभाल के रखूंगी। राजकुमारी साहिबा, दादी माँ जाने के लिए तैयार है, चलिए। चलती हूँ पृथ्वी, मैं जा रही हूँ। पिताजी, पिताजी। अरे, आ गई बेटा संयुक्ता। हाँ। प्रणाम माताजी। प्रणाम बेटा। माताजी, बेटा संयुक्ता जा जरा। ठीक है। माताजी, मुझे मिली हुई खबर के अनुसार अनंग राय जी अपनी दिल्ली पृथ्वीराज को देना चाहते हैं। ये तो उनकी इच्छा की बात है बेटा। यदि ऐसा होगा तो मैं दिल्ली पे आक्रमण करूंगा। तो ये लड़ाई में तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। मतलब आप अपने बेटे के सामने तलवार उठाओगी? माताजी, आप समझती क्यों नहीं हो कि दिल्ली भारत का केंद्र बिंदु है और उसे संभालने की ताकत 54 बंधुओं में नहीं है, और मैं कुछ भी करके दिल्ली उनके हाथ में नहीं जाने देना चाहता। अगर दिल्ली पर युवा लोग चढ़ाई करेंगे तो उनके हाथ काटने की ताकत मेरे पिताजी अनंगराज में है, और अजमेर की सुरक्षा के लिए मेरे पिताजी ढाल बन के रहेंगे। सोमेश्वर, खुद के पुत्र को दिल्ली की गद्दी मिले इसलिए अनंगराय के साथ रहते, लेकिन सोमेश्वर अभी तक जयचंद की शक्ति को पहचानता नहीं है। चौहान की शक्ति का माप कनौज के राठौड़ों को नहीं मालूम होगा। खून का एक एक कतरा, वहां 100-100 शूरवीर शहीद हो जाते हैं। ये बात की खबर जयचंद को नहीं होगी देवी। ये तो राजनीति का कीड़ा है राजन। मैंने भी पिताजी को बहुत समझाया, पर उन्होंने भी पृथ्वी का उत्तराधिकार बनने का निर्णय कर लिया है। माँ, मुझे दिल्ली की गादी मिलेगी, इसमें जयचंद को क्या दिक्कत है? बेटा, राजगादी प्राप्त करना और उसे टिकाए रखना, इन दोनों में बहुत फर्क है। माँ, छोटा हूँ फिर भी इन बड़े लोगों की बातें मेरे समझ में ना आए। मौत को मुट्ठी में लेकर नींद न ले चौहान। तेरे बिना हमें सुना सुना लगेगा। सुनो, एक तुम्हें अच्छी बात कहता हूँ, मेरे नाना अनंगराज जी मुझे दिल्ली की गद्दी सौंपने वाले हैं। तब तो मैं सेनापति, और मैं तेरा हमेशा रक्षा करने के लिए पीछे रहूंगा। मेरे दोस्त पृथ्वी, तुम दोनों भाई तो मेरे कलेजे के टुकड़े हो। मेरे दोस्त, तू दिल्ली जाके हमें भूल तो नहीं जाएगा? तुमसे क्या छुपाओ मित्र, खास कारण है संयुक्ता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव महादेव, दिन रात मैं यही प्रार्थना करती हूँ, पृथ्वी को जगत का पति बनाओ, कारण कि मैं उन्हें तन मन से बर मानती हूँ।
देवी के रूप के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, आज वो पूरी हुई है। संयुक्ता पर तिरछी नजर करने वालों की आंखें फोड़ने की ताकत वो खुद रखती है। उससे पहले तो तेरा सब कुछ लूट गया होगा। ए, तल्ले! अरे सुन जरा, कनौज की राजकन्या पर बुरी नजर रखने वाले जरा सुन, के सिंह के गुफा में गर्दन डालने से सिर्फ मौत ही मिलती है और नागिन को छेड़ने से सिर्फ जहरीला डंक मिलता है। आज तो मैं तुम्हें जाने देती हूँ। अमीर कभी हार नहीं माना है और आज एक औरत के हाथों से उसे हारने की नौबत आई, लेकिन इस हार का बदला उसे बहुत भारी पड़ेगा। सरकार, उनको आपके शौर्य के बारे में कुछ पता नहीं है। वो राठौड़ राज जयचंद की बेटी है, उनके भी पिता बहुत ही पराक्रमी है। पराक्रमी? उस पिता को तुम पराक्रमी कहते हो जो खुद के राज्य के विस्तार के लिए रिश्तेदारों के सामने युद्ध की घोषणा करता है? मैं उसकी बेटी को प्राप्त करके उसका नाक काटना चाहता हूँ। सरदार, बहुत सारे काम जो बल से नहीं होते वो दिमाग से हो जाते हैं, इसलिए भारत के इतिहास में चाणक्य का नाम इतना बड़ा सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। चाणक्य बुद्धि, समझ गया। संयुक्ता को हासिल करने का काम चुटकी बजाते ही हो जाएगा, किंतु उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि संयुक्ता प्रेम किसे करती है। संयुक्ता उसके पिताजी के दुश्मन के बेटे पृथ्वीराज से प्यार करती है। पृथ्वीराज चौहान!
तीर तलवार के साथ घोड़े पे होके सवार, अरे वीरों के वीर ऐसे पृथ्वीराज को ये चंदन बारोट का ढेर सारा प्रणाम। चंद, मेरे वीरता के गुणगान गाते गाते कहीं आप मुझे ऐसा ना बना दो कि मैं अपनी वीरता पे ज्यादा घमंड करने लग जाऊं। अगर ऐसा समय आया मित्र, तो ये चामुंड और कैमास तेरा दाया और बाया हाथ बन के खड़ा रहेगा। तुम्हें अगर खरोज भी आई तो उससे पहले हम दोनों भाई अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अरे तुम जैसे बहादुर जिसके मित्र होते हैं उससे इस दुनिया में कौन जीत सकता पृथ्वी है? कभी स्त्री का प्यार मित्र को भी दुश्मन बना देता नहीं चंद, ऐसा समय आएगा तो तुम मुझे कभी भी इस चीज से अवगत करा सकते हो, तुम्हारा हक है। परंतु मान, उस समय अगर संयुक्ता तुम्हारे शयनखंड में होगी तो। संयुक्ता, कहीं वो मुझे भूल ना गई हो। क्या करूं मैं, बोलो सजना, तेरे नयन से हाय दिल में तीर लगे, पृथ्वीराज चौहान। और दिल है उदास, पल पल जागे ये अखियां, अरे दिल कहीं पे लागे ना। आज शरद शरद पूनम की रात है, अरे आती है याद सजनी की, याद आती है बचपन की वो बातें, वो मीठी मीठी यादें। मैं आ गई पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी, यहाँ पर नहीं है पृथ्वी। शायद पृथ्वी ने मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए तो वैसा पत्र नहीं भेजा होगा। तू? हाँ राठौड़ राज जयचंद की लाडली, उस दिन तो मुझे तलवार में हरा दिया और मेरा दिल जीत लिया। तो क्या अभी भी तेरे दिल में हाँ बाकी है? सीधी तरह से मान जाएगी तो प्यार से संसार भुगतेंगे। भौरे, ये भ्रम में नहीं रहना। मैंने तो मेरे हृदय के मंदिर में पृथ्वी की प्रतिमा कब से बसा ली है। तो आज तेरे प्रेम की परीक्षा होने दे, मैं भी देखता हूँ कि पृथ्वी अजमेर से तुझे कैसे बचाने आता है। प्रेम का साथ तो साथ साथ समुद्र पार करके आता है। अगर मैं प्रभु के साक्षी से पृथ्वी को प्रेम किया होगा तो तेरी ताकत नहीं कि तू मुझे हाथ भी लगा सके। जिद्दी नागिन, आज तेरे अभिमान का अंत है। ए आजा गोरे। कहाँ बच के जाओगी? हे, ये आ
कहाँ है पृथ्वी? प्रेम की ताकत मेरी पृथ्वी को जरूर खींच के लाएगी। बोलो आप किधर जाओगे? बोला तेरे पृथ्वी को। कौन बचाएगा हमसे तुम्हें? कहाँ है तेरा पृथ्वी? ओए लड़के, छोड़ दो मुझे। इतना अच्छा निशाना मेरी पृथ्वी के सिवा किसी का नहीं हो सकता। विश्वास ही था कि तुम जरूर आओगे, पर इतनी देर होने की वजह। इतनी देर? आप क्या बोल रहे हो? आप तुमने मुझे नहीं पहचाना? पर इसे तो पहचानते होगे ना? ये मुद्रिका तो मैं संयुक्ता को दी थी। हाँ, जब इसे दिया था तब वो संयुक्ता का बचपना था, पर आज वो जवानी के दहलीज पे खड़ी है। संयुक्ता, मेरा दिल तो हमेशा ही आपको मिलने के लिए तरसता रहता था, पर आपकी बदनामी के डर से आप। पर मैं तो तुम्हारा संदेशा मिलते ही दौड़कर चली आई। संदेशा? हाँ, पर मैंने कोई संदेशा भेजा ही नहीं था। वो तो मेरे मित्र चंद ने मुझे आपकी याद दिलाई और मैं इधर आ गया, और अगर मैं नहीं आता तो आज कितना अनर्थ हो जाता। प्रभु सच्चे प्रेमियों को दूर नहीं करते। तुम मिल गए, आंखें धन्य हो गई। संयुक्ता, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। देखो सूर्यदेव आ गए हैं, सुबह होने आई है। चांद ढल जाए कि सूरज उग जाए, इसकी मुझे परवाह नहीं। अब तो तुम्हारी बाहों में मुझे मौत आ जाए तो वो भी मुझे अच्छा लगेगा। मौत की तरफ आपको अकेला थोड़ी जाना है। क्यों, अपना तो जन्म जन्म का साथ है। आह।
सौ जन्म नहीं जन्मो जन्म, सौ सौ जन्म नहीं जन्मो जन्म, मैं तेरी तू मेरी रे। ओ बालम सातों जन्म तू मेरा साथी आरे, अरे मैं तेरी तू मेरी रे। लहरों में डूबने की दिल ललचाए, हाय तन का मिलन ना ये मन का मिलन, हाय तन का मिलन ना ये मन का मिलन। अरे ओ सजनी छोड़ो शर्म, ओ सजनी छोड़ो शर्म, तू मेरी मैं तेरी हूँ। अरे ओ मालम तेरी कसम तू मेरा मैं तेरी रे। हाँ हाँ मैं तेरी तू मेरी रे। हो क्यों तू ऐसे गोरी शर्मा, काहे शर्माए क्यों तू ऐसे गोरी शर्मा, काहे शर्माए। उड़ जाओ मांग मेरी आँख शर्मा, आँख शर्मा। ये प्रेम की भाषा मुझे समझ में न आए, ये प्रेम की भाषा मुझे समझ में न आए। ओ प्रीतम ना तोड़ो कसम, ओ प्रीतम सजनी मुझे तेरी कसम, मैं तेरी तू मेरी रे। रहेगा सूरज चंदा, जब तक रहेगा सूरज चंदा तब तक रहूंगी मैं तेरे साथ। हाँ सूरज के साथ नाना चंदा के साथ, हाँ हाँ सूरज के साथ नाना चंदा के साथ रहेंगे जन्मों जन्म, रहेंगे जन्मों जन्म, मैं तेरी तू मेरी रे। आ तू मेरा मैं तेरी रे, ओ बालम जन्मों जन्म तू मेरा मैं तेरी रे। अरे मैं तेरी तू मेरी रे, आ तू मेरा मैं तू मेरी रे। महाराजा अजमेर नरेश सोमेश्वर जी की जय हो। महाराजा मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। महाराज अनंगराज तुवर ने खुद के उत्तराधिकारी के रूप में आपके पुत्र पृथ्वीराज जी का चयन किया है और आपको जल्दी से जल्दी दिल्ली बुलाया है। आपके महाराज को मेरा प्रणाम कहना और कहना पृथ्वी को लेकर हम लोग समय पर आ जाएंगे। जी सुना महारानी, अपना पृथ्वी दिल्ली पति होगा। हाँ राजन, हमारे पृथ्वी को दिल्ली की गद्दी मिली है। ये सुनकर जयचंद अब चुप नहीं रहेगा, राठौड़ों की फौज लेकर जरूर आक्रमण करेगा। अगर राठौड़ खेल सकते तो चौहान ने भी चूड़िया नहीं पहनी है। माँ मैं भी आप जैसे महान माता पिता का बेटा हूँ। माँ देखते हैं किसकी तलवार में ज्यादा दम है, सबके सब जंग में जीत के आऊंगा। माँ देखता हूँ किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। संग्राम करने के लिए तो जयचंद हमेशा तैयार है। माँ मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक दिल्ली की गद्दी से पृथ्वीराज को दूर ना करूँ तब तक मैं सुबह का भोजन नहीं करूँगा।
तेरी ये जिद और ये तेरा झूठा अभिमान एक दिन भारतवर्ष को भारी पड़ेगा बेटा, और ये तेरा कुटुंब क्लेश भी एक दिन राजपूत को भारी पड़ेगा बेटा, और तेरी ये प्रतिज्ञा एक दिन भारत की गद्दी को यवनों को बेच देगी। भारत की गद्दी पे एक दिन तेरा ये बेटा जयशन बैठेगा। तो इस जन्म में तू तेरे ये सपने भूल जा बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे ये सपने पूरे नहीं होंगे। मेरे सपनों को साकार करने के लिए मैं क्या करूँगा ये तू देख लेना। दादी माँ। हाँ बेटी। दादी माँ, पृथ्वीराज को दिल्ली की राजगद्दी मिलेगी तो पिताजी इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? बेटी, राजसत्ता कभी कभी लोगों को अंधा बना देती है। हाँ? इस वजह से वे भले बुरे का विचार भी भूल जाते हैं। लेकिन दादी माँ, पृथ्वीराज ने पिताजी का क्या बिगाड़ा है? बेटी, पृथ्वीराज दिल्ली की गद्दी पे बैठे ये तेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे। आप क्या चाहते थे? बेटी, मुझे तो विश्वास है कि पृथ्वीराज दिल्ली की गद्दी की शान बढ़ाएगा। तो फिर दादी माँ, आप पृथ्वीराज के राज्याभिषेक में आशीर्वाद देने के लिए जाने वाले हो ना? नहीं बेटी। तो दादी माँ, मुझे जाने दो, मेरा मन पृथ्वी को दिल्ली पति तरीके देखने के लिए तड़प रहा है। मैं जानती हूँ संयुक्ता कि तू बचपन से पृथ्वी को चाहती है, परंतु तुम्हारा दिल्ली जाना ये जले में अंगार का काम करेगा। महाराजा पृथ्वीराज की जय। महाराजा पृथ्वीराज की जय। महाराजा पृथ्वीराज की जय हो। 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 महाराजा पृथ्वीराज जी की जय हो। आशीर्वाद दीजिए नाना जी। स्वस्ति न इंद्रो रदसवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नष्टो अरिष्टनेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो आयुष्यवान भव। दिल्लीपति महाराजा पृथ्वीराज चौहान की जय हो। दिल्लीपति महाराजा पृथ्वीराज चौहान की जय हो। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय हो। मैं आबू का चक्रवर्ती नरेश देवती परमार का दूत हूँ। मैं चंद्रवर्ती नरेश की बेटी शेफाली के साथ आपकी शादी का शगुन लेके आया हूँ। आप उसे स्वीकारेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। महाराजा पृथ्वीराज चौहान की जय। महाराजा धीराज पृथ्वीराज चौहान की जय हो। महाराज, महाराज मैं आपकी सभा में मेरी बहन शोभना का शगुन लेके आया हूँ। अगर आप इसे स्वीकार करोगे तो हमें अपनी जात पे गर्व होगा। महाराजा पृथ्वीराज चौहान की जय हो। हे सबका रखवाला, नारी के आबरू का रखवाला, ऐसे राजा का सत्कार करो मेरे भारत के लोगों। सबसे बड़े ये वीर महान, दोनों हाथ से चलाए बाण, अरे रणवीर पृथ्वीराज चौहान को मेरे सत सत प्रणाम। करे कवि चंद्र तुम्हारा बखान, करे कवि चंद्र तुम्हारा बखान। महाराजा पृथ्वीराज की जय हो। आप कौन हो देवी? देवी, देवी शब्द सुनकर मन को शांति हुई। दिल्लीपति, मैं तो राज्य राज्य, नगर नगर, दरबार दरबार नाचने वाली एक नृत्यांगना हूँ। तो है सुंदर नारी, इस दिल्ली के दरबार की शोभा बढ़ा दो। दिल्ली के दरबार के वाहवा लेने से पहले मैं पृथ्वीराज पति को एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इसका जवाब अगर सच्चा होगा तो मैं जरूर नाचूंगी। मतलब तुम महाराज की परीक्षा लेना चाहती हो? शांत रहो हुबली राय जी। देवी, आपको जो पूछना है पूछो। देशों देश में नाचकर मैंने बहुत कमाई की, धन दौलत की सीमा नहीं, आभूषण या वस्त्र अलंकारों की कमी नहीं है, परंतु तन मन को ढांक दे ऐसा एक भी वस्त्र मेरे पास नहीं है। देवी, आप जिस वस्त्र की बात कर रही हो वो वस्त्र मतलब कि स्त्री की लाज आबरू की रक्षा करना,
पति के नाम की चुनरी, आपके पास सब कुछ है पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई पुरुष नहीं है। ये लो, आज से ये वस्त्र तुम्हारी रक्षा करेंगे।
बेटा, इतनी रात हो गई फिर भी तुम्हें नींद नहीं आई। नींद कैसा आएगी माँ, दिल्ली के गादी पे मेरा राज्याभिषेक हुआ है, सब मेरे अपने लोग आए पर कांचन मासी नहीं आए। इसका कारण तो तुम जानते ही हो ना, जयचंद कभी नहीं चाहता था कि दिल्ली की गद्दी तुम्हें मिले। माँ, वो तो गद्दी के उत्तराधिकारी जिसने मुझे यहाँ बिठाया है उनको सोचता था कि गद्दी किसको देनी है। सच बात है बेटा, पर जयचंद दिल्ली के गद्दी पर बैठना चाहता था और उसका वो सपना अधूरा रह गया, इसलिए मुझे डर है कि वो कोई जरूर चाल चलेगा। उसकी चाल को उल्टी करने की शक्ति चौहान में है माँ, और अगर उसने दिल्ली पे कभी हमला करने की कोशिश की तो उसे हार ही मिलेगी। माँ, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है माँ, जितना हक दिल्ली पे पृथ्वीराज का है उतना भी मेरा ही है। पर अभी तो फैसला हो चुका है जयचंद। फैसला तो हो चुका है माँ, पर जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसे कैसे छीननी है वो मैं जानता हूँ। कभी कभी दूसरों की अमानत लूटने में परिणाम गलत आते हैं जयचंद। परिणाम की परवाह तो कायर करते, मर्द तो हमेशा मौत के साथ गले मिलते। पर आज तक कोई मौत से बाजी जीत नहीं सका है और जयचंद कभी हार माना नहीं है। जाम लाओ। सुल्तान, यह आदमी हमारे तंबू के बाहर घूमता हुआ पकड़ा गया है, छोड़ दो इसे। सुल्तान, मैं कनौज का गाड़ीपति आपके साथ दोस्ती का हाथ मिलाने आया हूँ। दोस्ती के नाम पे अगर दगा किया तो अल्लाह कसम तुम्हारी बोटी बोटी काट के अपने सैनिक को खिला दूंगा। सुल्तान, ये एक राजपूत का वचन है और राजपूत अपने वचन को प्राण से भी ज्यादा समझता है। अगर आप मेरा भरोसा करते हो तो दिल्ली की गद्दी आपको आँख के इशारे पे दिला सकता हूँ। दिल्ली की गद्दी वो कोई खाने की चीज नहीं है कनौजपति, वहाँ पहुँचने से पहले पृथ्वीराज और उसकी सेनाओं को हमने अच्छी तरह से परख लिया है। फिर भी अगर आप हाथ मिलाते हो तो मेरी सारी सेना आपके साथ रहेगी, एक से भले दो सही। हाथ मिलाने से पहले कसम खाओ कनौजपति कि आज से हम दोस्त हैं। मैं तो कसम खा के आया हूँ सुल्तान कि दिल्ली की गद्दी पे पृथ्वीराज नहीं टिकना चाहिए। फिर वो गद्दी पे भले ही आप बैठो, अगर दिल्ली की गद्दी मुझे मिलती है तो हिंदुस्तान की तारीख में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा कि एक राजपूत की वजह से हिंदुस्तान हमें मिला। चाहे वो फिर तुम्हारे अंदर की लड़ाई हो या मन की ईर्ष्या हो, ईर्ष्या की आग बहुत बुरी होती है सुल्तान। मुझे एक ही बात की ईर्ष्या है कि दिल्ली की गद्दी का अधिकारी मैं हूँ, अगर वो गद्दी मुझे नहीं मिले तो किसी को नहीं मिलेगी। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। जयचंद, हमें आपकी दोस्ती कबूल है, मिलो हाथ। पृथ्वी भी शांत नहीं बैठा है बापूजी, उस दानव को कैसे शांत करना है वो मुझे अच्छी तरीके से आता है।
भाग निकले। हमारी धरती पे यवनों को साथ देने वाले हमारे ही भाई एक दिन ये देश को गुलाम बना देंगे। हाँ बेटा, और न जाने मेरे जैसे कितनी अभागी स्त्रियों का सौभाग्य लुट जाएगा, कितनी बहनें अपने भाइयों से दूर होगी और कितनी सारी माता अपने आंखों का तारा खो देगी। महाराज, हमें इस अपमान का बदला लेना ही पड़ेगा। हाँ राजन, हमें सामने से दुश्मन पे आक्रमण करना ही पड़ेगा। तब दुश्मनों को मालूम पड़ेगा कि दिलीपति पृथ्वीराज चौहान से जीतना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हुगली राय जी, आप प्रधान बनने के बाद भी युद्ध नीति को नहीं जानते। जब तक सामने से दुश्मन कोई नई चाल नहीं चलता और तब तक सामने से आक्रमण करना ये सैन्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। किंतु मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक यवनों की हिम्मत कैसे हुई दिल्ली पे आक्रमण करने की। पक्का कोई अपना ही आदमी का हाथ है। चंद, हमारी दुश्मनी किसके साथ है? यवन के साथ। तो फिर दूसरा जान बेदी दुश्मन कौन है? जयचंद, हमने आपके कहने पे युद्ध किया, इसका परिणाम क्या आया? अगर सुल्तान, हमें उसकी रणनीति मालूम नहीं थी और सैनिक की कितनी ताकत थी वो भी नहीं मालूम थी। उसकी ताकत का अंदाजा हमें पहले से था, पर युद्ध में मेरे 2000 सैनिकों की जान गई। सुल्तान, युद्ध में सैनिकों की मौत की गिनती नहीं होती है, हार जीत तो होती रहती है। जीत? कनौजपति, यहाँ मैं अपने सैनिकों का माता मना रहा हूँ और वहाँ पृथ्वीराज 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 का नामोनिशान मैं मिटा दूंगा। पृथ्वी बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें दिल्ली की राजगद्दी मिली इसीलिए जयचंद के आँख में तुम तीर की तरह चुभ रहे हो। वो बहुत ही जिद्दी और जहरीला इंसान है और ऊपर से वो कूटनीति में भी पारंगत है। उसकी चाल को समझना बहुत मुश्किल है बेटा। इसलिए मौसी, आप मुझे अपने पुत्र के शौर्य बताने के लिए इधर आए हो कि फिर मेरे माँ को मिलने के बहाने जयचंद का डर मुझे दिखाने के लिए आए हो? अगर जो ऐसा ही है तो एक बात सुन लो मौसी, जो अगर जयचंद ने आप जैसे माँ के पेट से जन्म लिया है तो मैं भी अपने माँ के पेट से जन्म लेके आया हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तो तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें सावध करना चाहती हूँ। तो कह देना उस दुश्मन को जाके कि हम भी किसी से डरते नहीं है, और अगर वो भी हमसे डरता नहीं है तो वो सैन्य लेके दिल्ली पर हमला करे तो पृथ्वीराज भी अपने तलवार के दम पे बीच मैदान में उसका इंतजार करेगा। बहन, न जाने क्यों भाई भाई के बीच में ये कैसे बैर का उद्गम हो गया है। समझ में नहीं आता कि इसका परिणाम क्या आएगा। इस बैर की आग में मैं बेमतलब बर्बाद हो गई हूँ, मेरा सौभाग्य लुटा गया। बहन, अगर राजपूतों की वीरता अपने आपस के बैर में बिखर जाएगी तो इस भारत देश में यवनों को आने में वक्त नहीं लगेगा। यवन तो आ चुके हैं बहन, पर मुझे तो चिंता हो रही है संयुक्ता की। जब जयचंद को पता चलेगा कि संयुक्ता पृथ्वी को प्रेम करती है तो न जाने इसका परिणाम क्या आएगा। प्यार के ये दोनों परिंदे कहीं दुश्मनी के छपट में बिछड़ ना जाए। बड़ी बहन पृथ्वी, मैं तो तुम्हें इतना ही कहती हूँ कि तुम मुझे भगा कर ले जाओ, मैं दिल्ली के राजमहल में तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। रोज तुम्हारी एक झलक देखकर मेरा मन प्रफुल्ल हो जाएगा। तुम्हारा स्वर सुनने से ही मेरे रोम रोम में रहेली आशाएं तृप्त हो जाएगी पृथ्वी। संयुक्ता, हाँ, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें यहाँ से लेके जा सकता हूँ। हाँ? पर नहीं, रात के अंधेरे में अगर मैं तुम्हें भगाया तो मेरी मर्दान की शर्मसार हो जाएगी, राजपूत धर्म शर्मसार हो जाएगा और अपने पवित्र प्रेम को कलंक लग जाएगा। संयुक्ता, पृथ्वीराज और संयुक्ता के प्रेम की गाथा पूरी दुनिया के सामने गाया जाएगा। अब तो मेरा भी दिल है कि दुनिया के इतिहास में हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। धन्य पृथ्वी धन्य,
तुम्हारे वीरता पे मैं वारी जाऊं। भले ना पूरा जीवन तुम्हारे वियोग में जोगन बन के जीना पड़े, तब भी मैं जीऊंगी। जब तक तुम इस कनौज के किले से मुझे ले नहीं जाते, तब तक मैं तुम्हें मिलने का इरादा भी नहीं करूंगी। संयुक्ता। हाँ पृथ्वी। संयुक्ता, 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 सैनिकों पकड़ लो इस गद्दार को और इसका यहीं पे राय के जितने छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि जयचंद की पुत्री के साथ प्यार करने का क्या अंजाम होता है। नहीं पिताजी नहीं, चाहिए तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरी पृथ्वी को छोड़ दो। चल हट दिल्ली पति पृथ्वीराज, याद कर ले अपने परमेश्वर को। परमेश्वर का दूसरा नाम है प्रेम, और प्रेम हमेशा बलिदान मांगता है। अच्छा तो ले। ये कैसा मैंने भयंकर सपना देखा। क्या बात है बेटी, इतने जोर से क्यों चिल्लाई? दादी माँ, अभी अभी मैंने एक बहुत भयंकर सपना देखा। सपने में मेरा और पृथ्वी का मिलन हुआ नहीं हुआ, उसी वक्त पिताजी वहाँ आ गए और पिताजी ने पृथ्वी का खून कर दिया। बेटी, मनुष्य जब अपने सच्चे दिल से किसी को चाहता है ना, तब उसे हमेशा ऐसे ही लगता रहता है। और पृथ्वीराज ऐसे कोई दूध पिता बच्चा नहीं जो उसे शिकार कर ले जाए। दादी माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजमहल छोड़ के पृथ्वी को मिलना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़की, पृथ्वीराज को पाने की सपना भूल जा। मैं चाहता हूँ तो तुझे अभी का अभी राजमहल से बाहर कर सकता हूँ। अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं टिक पाया। द्वार द्वार लाव लश्कर बिछाने के बाद भी परम कृपाणु राम लंका पहुँच गए और उन्होंने रावण के अहंकार का नाश किया। और पिताजी, अगर पृथ्वीराज ने चाहा तो आधी रात को तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जा सकता है। तुझे बाप से ज्यादा पृथ्वी पे गर्व है? गर्व नहीं, विश्वास है। कारण के मैं पृथ्वीराज से प्रेम करती हूँ। मन वचन और कर्म से मैं पृथ्वीराज को अपना पति मान बैठी हूँ। तेरे मानने से इस राज्य का पत्ता भी नहीं हिलेगा। संयुक्ता, अभी भी कहता हूँ, तेरे मन में से गलत फहमी निकाल देना कि इस जन्म में तो पृथ्वीराज को मिलेगी। इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में मैं तो जन्म जन्म इनके नाम की जोगन बन के भटकते रहूंगी। परंतु पिताजी, तुम्हारी दुश्मनी की आग में बेटी की जान को मत जलाओ। और अगर आपको बैर ही बनाए रखना है तो उठाओ तलवार और लड़ लो दिल्ली पति के साथ। और अगर आप हार गए तो तब तो आपकी नाक कट जाएगी ना, तुम्हारी उजली आबरू पर कलंक का काला दाग लग जाएगा। इससे पहले खुशी खुशी हम दोनों की शादी करवा दो तो इतिहास के पन्ने पर तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। भले ही इतिहास के पन्नों में मेरा नाम काले अक्षरों में लिखा जाए, भले ही भगवान के दरबार में मुझे नरक में तेल में तला जाए, भले ही जगत जयचंद के नाम पे थूकेगा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक पृथ्वीराज कनौज में पाँव नहीं रख सकता। तो फिर कहीं तुम्हारी लाडली बेटी राजमहल की दहलीज लांग कर अपने दुश्मन के घर पर संसार बसा ले, इसका विचार करना। कनौज के राजपूत देखते रह जाएंगे और पृथ्वीराज मुझे उठा कर ले न जाए, इस बारे में भी सोच लेना। और साथ साथ इस बारे में भी जरूर सोचना कि तुम्हारा अपना ही खून तुम्हें दगा न दे जाए। तू मुझे दगा देगी, उससे पहले मैं राजमहल के कोने कोने में सेनाएं बिठा दूंगा, तेरे दरवाजे पे सोमन का ताला लगा दूंगा, और अगर पृथ्वीराज आया तो उसकी मौत के लिए यमराज का पहरा रहेगा। अरे ऐसे तो कितने सारे यमराजों के पहरों में से पृथ्वीराज मुझे उठा कर ले जाएगा। संयुक्ता, आज से तो नजर बंद है, यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब देखते हैं पृथ्वीराज कैसे आता है। हे भगवान, एक तरफ मुझे मेरे प्रीतम से मिलने की जिज्ञासा, मेरे मन में प्रबल आशा जगा रही है, और दूसरी तरफ मेरे पिताजी की जिद मुझे जाने से रोक रही है। अब मैं क्या करूं? पृथ्वी, मैं लाचार हूँ, मैं मजबूर हूँ। अभी मैं क्या करूँ, क्या करूँ? संयुक्ता, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें यहाँ से लेके जा सकता हूँ, पर नहीं, रात के अंधेरे में अगर मैं तुम्हें भगाया तो मेरी मर्दान की शर्मसार हो जाएगी, राजपूत धर्म शर्मसार हो जाएगा और अपने पवित्र प्रेम को कलंक लग जाएगा। संयुक्ता, संयुक्ता, सैनिकों पकड़ लो इस गद्दार को
और इसका यहीं पे राई के जितने छोटे छोटे टुकड़ा कर दो, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि जयचंद की पुत्री के साथ प्यार करने का क्या अंजाम होता है, क्या अंजाम होता है, क्या अंजाम होता है। संयुक्ता, युग युग से प्रेमी कोई के बंधन में नहीं बंधे हैं। एक तरफ पिताजी की पाबंदी है और दूसरी तरफ प्रेमी का प्रेम। अब प्रेम और पाबंदी के तराजू में किसका पलड़ा भारी है, ये तो अब तुम्हें ही तय करना है। परंतु इतने गहरे पहरे में से कनौज का किला कूद कर दूर दिल्ली राजमहल तक मैं कैसे पहुँचूं? एक तरफ कुल की आबरू है और दूसरी तरफ मेरा प्यार। प्रेम और आबरू मात्र प्रेम होता है संयुक्ता, लेकिन मैं किस तरह से जाऊं ये तो तुम्हें ही सोचना है संयुक्ता। मुझे युग युग से प्रेमी लोग तो प्राण के भी परवाह किए बगैर खुद के प्रेमी से मिलने गए हैं। और अगर अगर मैं पकड़ा गई तो, और पकड़ा गई तो पृथ्वीराज के नाम से जिंदगी भर नजर कैद में रहोगी। और अगर तू ना पकड़ा गई तो प्रेम के इतिहास में संयुक्त और पृथ्वीराज का नाम युगो युग तक अमर रहेगा। सच में प्राणों की परवाह किए बगैर पृथ्वीराज से मिलने जरूर जाऊंगी। मैं दिल्ली जाऊंगी। और राजकुमारी, आपको महल छोड़ के जाने की आज्ञा नहीं है। नहीं नहीं जा सकती आप। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चलिए चलिए। अरे मैं कह रही हूं मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ दो। महाराज, राजकुमारी साहिबा आधी रात को महल छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे थे। आप लोग जा सकते हो। मैं जानता था कि तू जरूर पृथ्वीराज से मिलने जाएगी। आज अगर तू मेरी बेटी ना होती तो तुझे फांसी पे चढ़ा देता, समझी? लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तेरा पृथ्वीराज से मिलने वाला सपना बिल्कुल पूरा नहीं होगा। पिताजी, प्रेम और राजनीति का कोई संबंध नहीं होता। आप सिर्फ राजलालसा में अंधे होकर पृथ्वी को महान कर रहे हो और मैं पृथ्वी को सिर्फ प्रेम करती हूँ। पृथ्वी मेरा दुश्मन है। आपकी दुश्मनी कदाचित तुम्हारी बेटी की मौत का कारण न बन जाए। पृथ्वीराज की मौत पे तेरे जैसी हजारों बेटियां कुर्बान है। दूसरों की मौत के बारे में सोचने वाले ये खुद नहीं सोचते कि कभी खुद को भी मरना है। जब तक मैं पृथ्वीराज को दिल्ली की गद्दी से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं अपनी मौत को भी नहीं आने दूंगा। अगर आप अपनी मौत को यमराज के पास से वापस ले सकते हो तो मैं भी अपने प्रभु को पृथ्वीराज के लिए यश कीर्ति अमरता के लिए प्रार्थना करूंगी। पुस्तक, आज के बाद इस राजमहल से बाहर जाने की कोशिश की तो मौत ही तेरा नसीब होगी। संयुक्ता, दादी माँ, ये कदम उठाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो तो पिताजी से हुई है दादी माँ। वो ये नहीं जानते कि दुनिया का कोई भी बंधन सच्चे प्रेमियों को मिलने से रोक नहीं सकता। वो ये नहीं जानते कि प्यार के तीर तो 100-100 दीवारें छेद के निकल जाते हैं। वो कैसे नहीं जानते कि पृथ्वी मेरी आत्मा है, मेरा प्राण है, और जो कोई भी मेरे देह से मेरी आत्मा को दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं अग्नि स्नान करूंगी, पार्वती की जैसे पावन ज्वाला में कूद पड़ूंगी। राज पुरोहित जी, आप आज ही के दिन संयुक्ता की शादी की तैयारियां करो। देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित करो, सिवाय के दिल्ली पति पृथ्वीराज। जैसी आज्ञा महाराज। प्रधान जी। जी महाराज। आप पृथ्वीराज का पुतला बना के राज दरबार में द्वारपाल की जगह पे खड़ा कर दो, ताकि स्वयंवर में आने वाले हरेक राजा उसकी हसिया उड़ाए और पृथ्वीराज को मालूम पड़े कि जयचंद की पुत्री को पाना आसान नहीं है। जैसे आ गया महाराज। और हाँ प्रधान जी, आप गुप्त विद्या के जानकार हो,
आप स्वयं गुप्तचर बनके दिल्ली का भेद जान के आओ, ताकि हम उसे उसी की चाल से मात कर सके। जैसे आ गया महाराज पृथ्वीराज। अब तुझे राजनीति की अच्छी मालूमात होगी पृथ्वीराज। चुन चुन खायो, चुन चुन खायो मास, दोने नामत खायो, मोहि पिया मिलन कियास। नहीं पृथ्वी नहीं। महाराज की जय हो। अरे आओ आओ कविराज। कविराज बोल के मित्रता का अपमान मत करिए राजा। मैं तो आपको अगत्य का समाचार देने आया हूँ। अभी कौन सा समाचार है? कनौजपति राजा जयचंद का न्योता मिला है मुझे, उसकी पुत्री संयुक्ता का स्वयंवर पक्का हुआ है। यानी कि जयचंद राठौड़ महाराज को निमंत्रण न देकर इनका अपमान करने के सोच रहे हैं। वैसे ही करना थकी, पर संयुक्ता की शादी किसी और के साथ हो रही है और मैं देखता रहूं तो फिर संयुक्ता खुद के प्राण दे देगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिल्लीपति, आप संयुक्ता को इतना ज्यादा चाहते हो? हाँ कर्नाटकी, प्रेम का कभी सीमा या अंत नहीं होता, नहीं तो आपको बताता कि मैं संयुक्ता को कितना चाहता हूं। मैं हूं अकेला, अकेली, ये कैसे बंधन में बंध गए हैं, पर कौन कौन जानता है इस जग में, अरे हम दोनों की प्रेम कहानी। दगाबाज महाराज, नीच निकम्मे, निकल जाओ मेरे दरबार में से। महाराज इनका कोई कसूर नहीं। नहीं प्रधान जी, मैंने एक तुच्छ नर्तकी को राजरानी बना दी है, पर जूते हमेशा पैर में ही अच्छे लगते हैं। इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, गैर मर्द के साथ संबंध की स्थापना की है। निकल जाओ मैं राज्य से। पवित्र, अरे अपवित्र नारी, तू अगर स्त्री जात नहीं होती तो आज भरे दरबार में तुम्हारा मस्तक काट दिया होता। खबरदार जो मुझे स्वामी कहा है तो। प्रधान जी, अभी इस नीच को इस नगर के बाहर फेंक के आ जाओ। ठीक है महाराज, परंतु इस अपमान का बदला बहुत भारी पड़ेगा। अरे चल बदला लेने वाली यहाँ से, निकल। बहन, थोड़ा पानी दोगे क्या? तेरे जैसे कले केरे को पानी देना तो पाप लगेगा। हमारी उल्टा है उल्टा। ए भाई, दे घड़ा। देवी जी, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, लीजिए। चलिए देवी जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। आइए आइए आइए, बैठो यहाँ। आप कौन हो? आप मानो तो सेवक, न मानो तो दुश्मन। मतलब तुम्हें पृथ्वीराज ने भेजा है? खबरदार जो उसका नाम लिया तो। नहीं नहीं देवी जी, मैं पृथ्वीराज की बात नहीं कर रहा हूँ। आप भी पृथ्वीराज से बदला लेना चाहती हो, और मैं भी। मुझे लगता है कि तुम पृथ्वीराज के जासूस होगे, पर अब मैं उसके कोई चाल में नहीं फंसूंगी। मैं जासूस जरूर हूँ, पर कनौज नरेश जयचंद राठौड़ का। चंद, तुम तो संयुक्ता के स्वयंवर में जाओगे ही। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, मैं और चामुन तुम्हारे सेवक बन के तुम्हारे साथ आते हैं। हाँ हाँ, कनौज राज को ठाट बाट तो दिखा नहीं पड़ेंगे। चामुन, हम उधर ठाट दिखाने नहीं, पर जाना है जिंदगी को हाथ में लेके संयुक्ता का हरण करने के लिए। मतलब तू संयुक्ता का हरण करना चाहता? हाँ,
संयुक्ता की शादी होगी तो सिर्फ पृथ्वीराज से, परंतु वहाँ पे जान का जोखिम होगा। तुम और चामुन क्या करोगे? और तीसरी है कर्नाटकी, उधर पहुँच चुकी होगी। तेरी कहानी करुण है, तू चाहे तो मेरे राजमहल में आश्रय ले सकती है। महाराज आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। महाराज आपका पहला पासा तो सही गिरा है, दूसरा पासा संयुक्ता के स्वयंवर के बाद सुल्तान के साथ जब दिल्ली सर करेंगे तब पृथ्वीराज को पता चलेगा कि राजनीति में कितने कांटे हैं। प्रभु सुना था कि प्रेम का रास्ता अग्नि की ज्वाला जैसे होता है, आज वही ज्वाला मेरे हृदय की आत्मा को जला रहा है। पृथ्वी को प्यार करने का मतलब ये विरह और आंखों में आंसू, तक मैं कभी भी प्रेम करने की भूल नहीं करती। प्रेम को भुला देने वाले ये भूल जाते हैं कि प्रेम ये तो प्रभु का दूसरा नाम है, और जिसे प्रभु पर श्रद्धा नहीं रहती वो कभी भी सच्चे प्रेम को पा नहीं सकते। संयुक्ता आप कौन हो? नाम जानकर नफरत नहीं करना बहन, मेरा नाम कर्नाटकी है। शेर की गुफा में अपने ये कोमल हाथ डालने से पहले जरा सोच लेना कि तुम कहाँ और किसके महल में खड़ी हो। तुम तो पृथ्वीराज की अर्धांगिनी थी नहीं हूँ, और उनको दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए मैंने अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ऐसे समय में आप उल्टा सीधा कदम मत उठाइए, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि पृथ्वीराज तुम्हारे स्वयंवर में आएंगे, जरूर आएंगे। सुनो, कर्नाटकी तुम तो देवी हो। हाँ महाराज की जय हो, आपकी आज्ञा का पालन हुआ है। संयुक्ता के मन से पृथ्वीराज के नाम का भ्रम चला गया, इस खुशी में वो स्वयंवर में आने के लिए राजी है। सच्चे है? हाँ देखना वो सिंगार करके कितना खुश हुई है। Thank you.
जाएंगे। हे सुनो छत्रियों, बात कहो एक पुरानी, आप मानोगे तो बात है भवानी की। सबने एक साथ धरती के अन्न को खाया, सुन लो आज भाई भाई बनने की शपथ गाथा। हे सारी कहानी खत्म हुई इस कहानी के आगे, अरे दुश्मनों के सैनिकों को मार के भगाओ, तो कभी हिंद पे दूसरों का राज न आए। कवि चंद्रवीर आज बस यही गीत गावे, कवि चंद्रवीर आज बस यही गीत गावे। कविराज, ये कविता आप अपने राजा को सुनाओगे तो शायद हिंदुस्तान की राज सत्ता नहीं पलटेगी। कनौजवीर, मेरा राजा तो समझ के बैठा है, आप सब अगर समझ लोगे तो सबका भला होगा, नहीं तो आपके राजकुल का नाम इतिहास में गद्दारी के कारण काला लिखा जाएगा। अगर अच्छा चाहते हो तो आपके राजा को कहना कि दिल्ली की गद्दी मुझे सौंप दे। दिल्ली की गद्दी ऐसे नहीं मिलती है राठौर राज। सही बात है, आपके अहंकारी राजा के दिमाग में ऐसी बात नहीं आएगी, इसलिए उसके अहंकार को तोड़ने के लिए मेरे दरबार के द्वार पे पृथ्वीराज का पुतला लगाया है। अभी संयुक्ता के आशा को छोड़ दे, वो तो आने वाला समय बताएगा कनौजपति। राजाओ, प्रजाजनों, वीरो, नर वीरो, अभी राजकुमारी संयुक्ता वर माला लेके आएगी और अपने लिए वर पसंद करेगी। बेटा संयुक्ता, मेरा आशीर्वाद है। राजकुमारी, बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, परंतु अनुभव की कोई कमी नहीं है। राजन, तेरा खेल खत्म हुआ, अब बाजी हमारे हाथ में है। याद रख, ये कटार किसी की सगी नहीं होती। चल संयुक्ता, मैं आ गया हूँ। कनौजपति जयचंद राज, मांगने से दिल्ली नहीं मिलेगा, पर अगर जिगर में ताकत हो तो संयुक्ता जरूर मिलेगी। जो मैं संयुक्ता से प्रेम न करता होता तो आज तुम्हारा सिर दिल्ली के चौराहे पे लटका देता। जयचंद, हिम्मत हो तो आ जाना मैदान में, चलो मित्रों। राजन, आप हमारी चिंता ना करें, मैं अकेला इन सब के लिए काफी हूँ। आप जाइए यहाँ से, मैं आपके पीछे आता हूँ। ठीक है। जयचंद, बोल दे तेरे सैनिकों को हथियार रख दे, बोल। चलो अपने अपने हथियार फेंक दो। सैनिकों, पीछा करो इनका। Thank you.
वीरता का, और ये है उदाहरण भरे दरबार से किया है, किया है संयुक्ता का अपहरण। संयुक्ता, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। सपनों की आज शुरुआत हुई है स्वामी। मुझे तो तुम्हें पृथ्वीपति बनते हुए देखने की इच्छा है। अरे पृथ्वीपति होने के लालसा में कहीं कोई महत्व की चीज ना घुमा बैठो संयुक्ता। स्वामी, जाम अपनी नजर से तुम पिला दो। जाम अपनी नजर से तुम पिला दो, जरा पलकों में मुझको बिठा दो। जान जा कहीं के मुझको ना सताना, हाय दिल में बस के ना मिटाना। तेरी जैसी है गुलाबों का फूल, होंठ तेरी है जैसी है गुलाबों का फूल, आंखों से इशारे की प्रीतम ने कबूल। मन दिन रात गाए बस तेरी ध्वनि, तेरी मोहब्बत से हुई मशहूर। दिन दर्पण में देखूं तेरी सूरत, हाय दिल में बसा के ना मिटाना। जाम नजरों से तू मुझे पिलाना, जरा अपने तू पलकों में बिठाना। प्यारी प्यारी धुन गाने लगी, मन पागल हुआ देख पतंग बनी। हंसते हंसते दिल ले गई तेरी दिल लगी, फिर यौवन की जाम छलकाए रे, जरा पलकों में मुझको बिठाओ रे। जान जा कहीं के मुझको ना सताना, हाय दिल में बसा के ना मिटाना। रस भरी तू काम का रंग भवन, रस भरी काम का रंग भवन, चली सन सन हवा चली बेरी पवन।
तेरी मोह माया, क्या सितारा बनी है चंदा सुमन। आओ प्यार से निपट जाए, जरा पलकों में मुझको बिठाना। जरा पलकों में मुझको बिठाना, जान जा कह के मुझको ना सताना। ओ जरा पलकों में मुझको। कोई संबंध नहीं होता। आप सिर्फ राजलालसा में अंधे होकर पृथ्वी को महान कर रहे हो, और मैं पृथ्वी को सिर्फ प्रेम करती हूँ। आपकी दुश्मनी कदाचित तुम्हारी बेटी की मौत का कारण ना बन जाए। तुम्हारा मौत तो कारण ना बन जाए। नो! हाँ जयचंद, तेरी ईर्ष्या और जिद का परिणाम देख लिया तूने? दोनों प्रेमियों को आज तक कोई जुदा नहीं कर पाया है। आज तेरे भरे दरबार में पृथ्वीराज तेरी बेटी संयुक्ता का हरण करके गया है। अभी भी समय है जयचंद, पृथ्वीराज से संधि कर ले। तू अब दिल्ली की राजगद्दी पे बैठने की इच्छा भूल जा। पृथ्वी से तू कभी नहीं जीत पाएगा। पृथ्वी महान है, वीर है और बुद्धिमान है। उसका उदाहरण तुझे तेरे दरबार में मिल गया है। जयचंद, भूल जा पृथ्वी को और भूल जा दिल्ली की राजगद्दी को। तेरी ईर्ष्या और ये तेरी लालसा एक दिन तेरे राज को तुझे लेके डूब जाएगी, डूब जाएगी। नो! शाबाश शूरवीरों, धन्य हो तुम लोग। वाह शाबाश बबली राय, तूने यवन को पकड़ लिया। पकड़ लो सुल्तान को और ले चलो। महाराजा धीराज की जय हो। आज फिर से सुल्तान को बंदी बना के आपके सामने लेके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दिल्ली पति। वालेकुम अस्सलाम सुल्तान। दिल्ली का दरबार देखने का बहुत शौक था ना तुम्हें, तो देख लो, नजर भर के देख लो। फिर से कहीं मौका मिले या ना भी मिले। पृथ्वीराज जी, आपके जैसे वीर पुरुष इस धरती पे पैदा होते रहेंगे, तो कोई भी दुश्मन को हिंदुस्तान पे चढ़ाई करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। आपकी वीरता को सलाम करता हूँ, नवाजता हूँ। इसलिए आपके सलामी के जवाब के रूप में मैं तुम्हें सजा देना नहीं चाहता, पर
सजा के बदले माफी देना चाहता हूँ। माफ करना महाराज, दुश्मन को माफी देना ये घोर अपराध है। राजपूतों को राजनीति सिखाने की कोई जरूरत नहीं है हुबली राय। राजपूत राजनीति जानते हैं, उसके साथ साथ उसका धर्म भी नहीं भूलते। क्षमा अविरस्य भूषणम। पर महाराज, मैं अपने जान जोखिम में डाल के सुल्तान को पकड़ के लाया हूँ। आपसे ज्यादा चामुंडा और गायमाक ज्यादा शक्तिवान है, जो ऐसे सौ सौ सुल्तान को छठी का दूध याद दिला सकते हैं। ठीक है, पर महाराज एक अनुभवी प्रधान की बात मानो। राजगद्दी पर बैठने के बाद राजनीति को भूलकर मैं न्याय नीति अपनाता हूँ। सुल्तान को बंधन में से मुक्त करो। सुल्तान, अब आप बंधन में से मुक्त हो गए हो, पर ये राज दरबार में से जाने से पहले तुम्हें तांबड़े पत्र पे एक चीज लिखनी होगी कि आप फिर से दिल्ली पे चढ़ाई नहीं करोगे। पृथ्वीराज जी, जान है तो जहान है, जिंदगी से कोई चीज प्यारी नहीं है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। क्या जाने दुश्मन, दुश्मन को मुक्त किया जिसने और दिया जीवन दान, युगों युगों से जगत पुराण, अरे गाएगा आपका नाम। संयुक्ता। स्वामी, स्वामी। संयुक्ता। स्वामी, हा? लगता है कि आठों प्रहर और अठारह घड़ी तुमसे इसी तरह से लिपटे रहूं। संयुक्ता, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हाथ युद्ध लड़ लड़ के थक चुके हैं, वो हाथ आपके कोमल शरीर का स्पर्श लेते रहे और प्रेम के रंग में मैं रंग जाऊं। स्वामी, नहीं जानते कि प्रेम बनाने वाले प्रभु ने प्रेम शब्द में ऐसा भी क्या भर दिया है कि बहुत से रातों का मिलन भी अधूरे ही लगते हैं। वो तो प्रेम करने वाले उनसे ही पूछना पड़ेगा। तो आप क्या जानते हो? मैं सिर्फ प्रेम करना जानता हूँ। सच्ची बात है, पर ना हाथ में आए इस दुश्मन को ऐसे छोड़ ना देते आप। दुश्मनों को भी क्षमा करना ये वीरता का चिन्ह है। पर कभी कभी क्षमा का परिणाम विपरीत आता है। सिकंदर ने भी एक बार पोरस को माफी दी थी, पर वो दा का दुश्मन था। सच में तो उसने सिकंदर की जान बचाई थी, पर ये तो मुझे परिणाम की परवाह नहीं है। संयुक्ता, जिस घड़ी में जो होने वाला है वो होके रहेगा। जो विधि का लेख है वो कभी नकार नहीं सकते। ये तो विधि की विचित्रता कहलाती है। आपके जैसे आदमी का अपमान करना पृथ्वी को एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। हाँ महाराज, पृथ्वीराज को दिल्ली के गद्दी पे से निकालने के लिए आप जैसे कहोगे वैसे मैं करूँगा। पर आप पे मैं भरोसा कैसे करूँ कि आप पृथ्वी के विरुद्ध में हो? महाराज, उसका सबूत मैं आपको कल शाम तक दे दूंगा। तो हुबली राय जी, तो कल शाम तक आपको 10,000 सोना मोहरे मिल जाएगी। संयुक्त, महाराज की जय हो। प्रधान जी आपसे मिलना चाहते हैं। आज्ञा है। महाराज की जय हो। क्या बात है प्रधान जी? महाराज, बात करने से मेरा दिल और होठ दोनों कांप रहे हैं और बोलने से पहले मेरी जीभ अटक रही है। पर महाराज, नहीं बोले रहा नहीं जाएगा। मैंने आपका नमक खाया है। ऐसी भी क्या बात है प्रधान जी? जो कर्नाटकी को हम पवित्र मानते थे ना, वो कर्नाटकी के केवार के साथ नाजायज संबंध है। क्या कहा? ना ना महाराज, मेरा मन नहीं मान रहा कि कर्नाटकी की किसी और के साथ गलत संबंध है। महाराज, मेरे बोलने पे अगर आपको विश्वास नहीं आता हो तो अभी के अभी आप कर्नाटकी के निवास पे जाके देख सकते हो। इसमें जरूर कोई षड्यंत्र लग रहा है। आज से एक नहीं पर दो बहनें मेरी, समझी कर्नाटकी? तुम्हारी से वीर पुरुष को कौन प्यार नहीं करेगा? आओ कर्नाटकी, आज मैं तुझे भेंट देना चाहता हूँ। नहीं भाई, पृथ्वी, ये आपने
मैंने क्या किया? हट कुल्टा। कुल्टा, कलंकिनी, वत्सलन, जो कहना है वो कह लो स्वामी। आप तो जानते ही थे कि मैं नगर नगर और दरबार दरबार नाचने वाली एक नर्तकी थी। और आज तुमने अपनी जात बता दी है, नीच कहीं की, तो कभी राजरानी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। स्वामी, वैसे भी लोग मुझे नाली का कीड़ा कह के हमसे घृणा करते हैं, पर आप, पर आपने मुझ पर सुहाग की चादर ओढ़ के मेरी रक्षा की है। और तुमने उस रक्षण का दुरुपयोग किया है। नहीं स्वामी, हम नाचने वाले कभी किसी को वचन देते हैं तो हम वो वचन का पालन करते हैं। एक नर्तकी और वफादार, अरे तुम तो धन की लालची हो, धन के। धन की नहीं, हमें धनी की ही चाहत होती है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम उनके नाम से ये भाव सागर तैरना चाहते हैं। और ढोंग मत कर कलंकिनी, और निकल जाओ मेरे महल में से। और आज तुमने अपनी जात बता दी है, नीच कहीं की, तू कभी राजरानी नहीं बन सकती। और आज तुमने अपनी जात बता दी है, नीच कहीं की, तू कभी राजरानी नहीं बन सकती। हाँ, एक तो नर्तकी घर बसाती नहीं, और जब घर बसाती है तो वहां से उसकी अर्थी निकलती है। चामुन, चामुन रुको, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या बात है, इतने घबरा हुए क्यों? पृथ्वीराज ने कैमास पर शंका करके उसका वध कर दिया। जा, जाके खुद देख ले। पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकता। हा, हा, हा। पृथ्वीराज, अब तुम्हें पता चलेगा कि हुबली राय कौन है। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, तूने तूने मेरे भाई को मारा? हाँ। अरे हट रे दुश्मन, जिसने तेरे लिए अपनी जान की भी परवाह ना की। अरे जो रण की लड़ाई में हमेशा ढाल बन के खड़ा रहता था, तूने तूने उसे मारा। अरे हट, धिक्कार है तुझे। अरे धिक्कार तो तुझे है, एक वासना के कीड़े के लिए तुम मेरे सामने भीख मांग रहे हो। पृथ्वी, महाराजा पृथ्वीराज सुनो, जब पाप का पूर्ण विराम होता है तब पुण्य प्रकटता है, और जब पुण्य का पूर्ण विराम आता है तब सत्ता पलट जाती है। हाँ, आज से ये चामुंड तुम्हारे लिए हथियार नहीं उठाएगा। अरे पृथ्वीराज कोई कायर बच्चा नहीं है जो तुम्हारे भरोसे जिंदा रहेगा। पृथ्वीराज, आज अगर तू मेरी बहन के माथे का सिंदूर ना होता तो आज चामुंड तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और डाल दो कैद खाने में। अरे क्या करूं, मेरी बहन के संबंध के कारण मैं लाचार हूँ, नहीं तो कोई माइकल लाल की इतनी औकात नहीं कि इस चामुंड को हाथ लगा के दिखाए। अरे तेरे सिपाही क्या मुझे कैदी बनाएंगे, आज ये चामुंड खुद ही कैदी बन के तेरे कारावास में रहेगा। ये दिन है ऐसा, ये दिन की घड़ी, और परखना है दोस्ती का प्रमाण, पर विनाश विनाश काले विपरीत बुद्धि है, वही है इसके निशान। लगता है शराब की प्यालियों में वीरता डूबती जाती है। सुल्तान, कितने कितने रास्ते सोचे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब बाजी अपनी तरफ पलटी हो रही है। आओ कनौजराज, नहीं तो हुबई सुल्तान की महफिल में ना आते। उसका कारण भी आप ही हो जहाँपना। अगर पृथ्वीराज ने उस दिन मेरे कहने पे आपको सजा दी होती तो शायद ये दिन आपको ना देखना पड़ता। बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? याद है हुबली राय जी, उस दिन आपको राज दरबार में प्रधान बोल के घोर अपमान किया था। वो अपमान का बदला तो मैं दिल्ली पति को बता के ही लूंगा, समझे? अभी तो वो संयुक्त के प्रेम में अंधा हो गया है। इस मौके को पाने का इससे अच्छा मौका नहीं आएगा।
जल्दी मत करो कनोजराज, समय आने पे मैं तुम्हें इशारा करूंगा। अभी उसे प्रजा के नजरों में से गिर जाने दो। ऐसा सुंदर तुम्हारा रूप देखकर नैनो को ये मेरे बाण, आंख मिलाकर देखो मेरे साजन, निकल ना जाए मेरे प्राण। महाराज की जय हो, प्रधान जी आपसे मिलना चाहते हैं। कह दो प्रधान जी को कि महाराज के पास समय नहीं। प्रजाजनों, महाराज आज दरबार में नहीं आने वाले हैं। आज से महाराज कई दिनों के लिए छुट्टी पर है। तू भी अकेली ये कैसे बंधन में बंध गए हैं, कौन जानता है इस जग में पर कौन। की जय हो, कविराज आपसे मिलना चाहते हैं। कविराज को बोल दो कि महाराज के पास समय नहीं है। सुल्तान, लाहौर और पेशावर पे कब्जा हो गया है, अब हम दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। कविराज, महाराज आज भी रंग महल से बाहर नहीं आएंगे। क्या, इतने दिन बीत गए तो भी पृथ्वीराज अपने रंग महल से बाहर नहीं निकल रहे, और वहाँ पेशावर अपने हमले की तैयारी में है। स्वामी। हाँ संयुक्ता। एक बात पूछूं? बोलो ना। सरिता बड़े बड़े पहाड़ों की छाती चीर के भी सागर में समाने के लिए दौड़ती रहती है। चकोर चांद को पाने के लिए पूरी रात गगन में उड़ते 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 रहती है, ऐसा क्यों? प्रेम के मिलन को पाने के लिए प्रिय, सागर भी सरिता को अपने में समा लेता है ना। आओ तुम मेरे पास आओ। सूरज की पहली किरण शाम के उस वक्त को पाने के लिए हमेशा रुकी रहती है। वैसे भी एक दूसरे को पाने की लालसा कितनी महान होती है ना। हाँ। महाराज की जय हो, कविराज आपसे मिलना चाहते हैं। कविराज को बोल दो कि महाराज के पास समय नहीं है। समय नहीं है, समय नहीं है तो समय निकालना पड़ेगा महाराज। मेरे आज्ञा के बिना आप यहाँ कैसे आ सकते हो? क्या ये बात राजा चक्रवर्ती पृथ्वीराज चौहान बोल रहे है कि मेरा मित्र बोल रहा है? और अगर पृथ्वी बोलता होगा तो सुन लेना कि आपने मुझे एक बार अभय वचन दिया था, अगर मैं संयुक्ता के साथ रंग महल में रहूं तो वहां आने का मुझे अधिकार है। और अगर दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान बोलता होगा तो भी ये सुन लो कि प्रजाजन आपके नाम की दुहाई दे रहे है। और साथ साथ में ये भी जान लो दिल्लीपति के पेशावर टूट गया, लाहौर लूट गया और दिल्ली के पाए हिल गए हैं। मुझे कैसे नहीं पता चंद? दिल्लीपति के पास ये जानने का समय कहाँ है? भोग और विलास को भुगतने वाले राजा, अब जागने का समय हो गया है। दिल्ली के किनारे पे दुश्मनों के डंके बज रहे हैं, दिल्ली का आसन डोल रहा है और चौहानों की इज्जत के ऊपर कलंक की काली टिल्ली लग रही है। महाकवि, आप ये कैसे भूल गए कि ये वही पृथ्वीराज है जिन्होंने भरी दरबार में से इसी संयुक्ता का हरण किया था। भूपति यवन को कैद करने के बाद भी उनको वीर राजा की तरह क्षमा कर दी।
और महाकवि, तुम तो तुम्हारे मित्र के शक्ति पर ही शक कर बैठे कि पृथ्वीराज के तलवार की धार कम हुई, उनके हाथों की ताकत में जंग पड़ गया। अरे भोग और विलास में होने के बावजूद उनके दिल में दुश्मनों के साथ लड़ाई करने की ताकत है, शत्रु का नाश करने की भी ताकत है। तो उठाओ तलवार पृथ्वी, आज अपने भाइयों के सहारे गिद्ध दिल्ली की तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। अब देखता हूँ मेरे सामने कौन आता है। दुश्मनों के सिर धड़ से अलग हो जाएंगे। वचन भंग करने वाले यवन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे जिंदा मारने की तो जरूरत है उस गद्दार हुबली राय को, कि जो दुश्मन के साथ मिल गया और कैवास को मरवाया और चामुंड ने हथियार नीचे रख दिए। चामुंडा के हथियार मैं निकालूंगा, उसे मैं मनाऊंगा। संबंधों के आड़ में जहर घोलने वाला हमारे ही भाई और यवनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक माँ भारती के सामने कोई आंख ऊंची करके नहीं देख पाएगा। कविराज, संयुक्ता, पृथ्वीराज के आगे बढ़े हुए कदम दुश्मनों के सैन्य का नाश कर देंगे, उसे धूल चटा देंगे, उसे आग से निकले हुए राख के जैसे भस्म कर दूंगा, समझे? मस्तकों को काटने वाले दिल्लीपति तेरा रंग है, दुश्मनों को थकाने वाले दिल्लीपति तेरा रंग है। महाकवि सच कह रहे हैं राजन, माँ भूमि की पुकार का स्वागत करो, तोड़ दो उन दुश्मनों को जो इस भूमि पर बुरी नजर रखते हैं, काट डालो उन हाथों को उस भूमि के स्वतंत्रता के लिए झपट मारने के लिए उठ रहे हैं। रणशिंगी के ललकार को सुनो महाराज, और अपने सैनिक को कूच करने की आज्ञा दो महाराज। सेनापति, अपने सैनिकों को तैयार करो, इन सब को पूर्व दिशा की तरफ कूच करने को बोलो। सेनापति अश्वसय्य, आप अपने अश्वसैनिक की कतार दाएं बाजू से कर दो, तीर भाला और पैदल चलने वाले सैनिकों को दोनों दिशाओं की बाजुओं पे तैयार रखना। इन सभी सैनिकों के ऊपर आप खुद अपने सैन्य अध्यक्ष के साथ रण मैदान में आगे बढ़ते रहना। याद रखना माँ भवानी की ये पुकार वीरता और बहादुरी का आज इम्तिहान है। बोलो सब मिलके जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। दरवाजा खोलो। चामुक भाई, चामुक। पृथ्वी, अब तुझे मेरी याद आई, धिक्कार है तुझे, अपने भाई जैसे दोस्त को तूने छोड़ दिया। मुझे क्षमा कर चामुक, मुझे क्षमा कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे भाई, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। चामुक, सिर्फ एक बार हथियार उठाना, नहीं तो शायद। नहीं पृथ्वी, नहीं, ये चामुंड अब तेरे लिए कभी भी लोखंड के हथियार नहीं उठाएगा। नहीं, हाँ, लेकिन माँ भारती की लाज रखने के लिए ये चामुंड लकड़े के हथियार से लड़ेगा, ये मेरा वचन है। चामुंड, पृथ्वी मेरे दोस्त, जय माँ भारती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। हे माँ, दया की देवी, माँ भारतवर्ष को बचा लो, माँ बचा लो, माँ। देवी पुत्र, हिंदुस्तान की तारीख बदलने का वक्त आ गया है, यह यवनों का राज होगा। नहीं नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत बोलो माँ, यह आशीर्वाद नहीं, श्राप है। श्राप देने का कारण तुम्हें पता है देवी पुत्र, मन के अंदर की दुश्मनी एक दिन तो सच्ची होनी ही थी, घर फोड़ी घर जाए। हे जगदम्बा,
अब तुम ही हो आशा। तेरे कृपा से ये जग जननी लिखी है एक इतिहास ने। रखना इस काला धन्य है भारत भूमि वे तुम सब रखना इस काला। हे नर नारी सब एक ही सूत्र में बंध हुए हैं आज। धन्य है भारत भूमि रे तुम सब रखना इस काला। जय भारती जय भारती। घर के बुजुर्ग आज लेके गुलाल आज खुशी से खेलो लेके गुलाल आज खुशी से खेलो। हे शंख बजाओ आज फेंको गुलाल आज भारत भूमि को आज तुम सब संभालो। भारत भूमि को आज तुम सब संभालो। ए सब लोग मिलके आज दे दो उनको आशीष। रखवाला करे आज भारत भूमि की रखवाला करे आज भारत भूमि की। फड़के आज रोम रोम गाए धरती भी देखो जय जय बोलो आज धरती माता की। जय जय बोलो आज धरती माता की। बाजे रे शंख बाजे रे डंका मातृभूमि में आज। धन्य है भारत भूमि रे तुम सब रखना इस कालाज। जय भारती जय भारती। धरती की और वीर भी इस धरती की ये वीर है इस धरती की। तलवार जो ना उठाए त्रिशूल उठाए हाथ में त्रिशूल उठाए हाथ में। संकेत आया युद्ध की बाजी लगाओ जान की बाजी लगाओ जान की। सर कटे पर लाज बचाए धरती हिंदुस्तान की ये धरती हिंदुस्तान की। दुश्मन करो रे आक्रमण मातृभूमि में आज। धन्य है भारत भूमि रे तुम सब रखना इस कालाज। धन्य है भारत भूमि रे तुम सब रखना इस कालाज। जय भारती जय भारती। Yeah.
पकड़ो तलवार कमर कस लो तुम, दुश्मन को ना छोड़ेंगे, ये है धर्म बचाएंगे हम, चाहे अपना जान जाए। पकड़ो तलवार कमर कस लो तुम, दुश्मन को ना छोड़ेंगे, ये है धर्म बचाएंगे हम, चलो चलो जी देश बचाओ, चलो चलो जी देश बचाओ, चलो चलो जी देश बचाओ, जय भारती जय भारती। पकड़ तलवार कमर कस लो तुम, दुश्मन को ना छोड़ेंगे, ये है धर्म बचाएंगे हम, चाहे अपना जान जाए। पकड़ तलवार कमर कस लो तुम, दुश्मन को ना छोड़ेंगे, ये है धर्म बचाएंगे हम, चलो चलो जी देश बचाओ, चलो चलो जी देश बचाओ, चलो चलो जी देश बचाओ, जय भारती जय भारती। पकड़ तलवार कमर कस लो तुम, दुश्मन को ना छोड़ेंगे, ये है धर्म बचाएंगे हम, चाहे अपना जान जाए। पकड़ तलवार कमर कस लो तुम, दुश्मन को ना छोड़ेंगे, ये है धर्म बचाएंगे हम, चलो चलो जी देश बचाओ, चलो चलो जी देश बचाओ, चलो चलो जी देश बचाओ, जय भारती जय भारती। हुबली राज, तेरे जैसे गद्दारों की वजह से इस देश में दुश्मनों का राज आएगा, अब तू नहीं बचेगा। हुबली राज, तेरी मौत तुझे बुला रही है, अब तू मरेगा। आज हम बहुत खुश हुए। पृथ्वीराज देख हमारी फौज, तुम्हारी फौज खत्म हो चुकी है। नहीं, पृथ्वीराज को जिंदा दरबार में ले चलो, उसको सजा हम देंगे। ले चलो इसे दरबार में, ले चलो, ले चलो इसे। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ दिल्ली के सुल्तान, देख लो इस दिल्ली के सुल्तान को, आज दिल्ली के दरबार में तुम्हारा स्वागत कर रहा है। एक वक्त तुमने मुझे कहा था, आज मैं तुम्हें कहता हूँ कि देख लो कि ये दिल्ली का दरबार, देख लो, नजर भर के देख लो। फिर शायद इस दरबार को देखने का तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। जानता हूँ कि दुश्मन को माफ करना ये राजनीति के विरुद्ध में है, फिर भी मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी आंखें निकाल के। और बिना आंख वाला राजा दर बदर की ठोकरें खाता फिरे, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। इसलिए
जीवन भर तुम्हें आंखें बगैर दिल्ली की जेल में बंदी बना के रखूंगा। जाओ लेके जाओ इसे, इसकी आंखें फोड़ दो। और ये अभी के दिल्ली के सुल्तान का हुक्म है। जय मां भारती। के दुश्मन को माफ करना ये राजनीति के विरुद्ध में है। फिर भी मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी आंखें निकाल के और बिना आंख वाला राजा दर बदर की ठोकरें खाता फिरे, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। हे वीर हुए, नरवीर हुए, सुरवीर हुए इस धरती के, और सर कटे और धड़ कटे इस धरती हिंदुस्तान में, के इस धरती हिंदुस्तान में। वाह कविराज, आपका ये धरती का प्रेम और शौर्य गाथा से बादशाह आफरीन हुआ है। मांगो मांगो, जो मांगोगे वो ये बादशाह सलामत देने के लिए बंधा हुआ है। बादशाह सलामत, बस मुझे सिर्फ अपने परम मित्र वीरभद्र पृथ्वीराज चौहान को मैं मिलना चाहता हूँ। मिलने से कोई फायदा नहीं है, वो तो 100-100 किलो की सलाखों से बंधे हुए मेरे खेत खाने में अंधा होके बैठा है। अरे भले ही लोहे की सलाखों से बंधा हो, लेकिन शेर शेर ही होता है राजा। कविराज, अभी वो अंधा सम्राट इस भूमि पे वो भार समान है। नहीं बादशाह सलामत, वो जगत का श्रेष्ठ धनुर्धर है। वो शब्द भेदी बाण छोड़ना जानता है और साथ साथ आसमानों का निशान लेना जानता है। शब्द भेदी बाण, वो क्या होता है? बादशाह सलामत, आप उसे बाण दो, वो आपको प्रमाण देने के लिए तैयार है। हवा फिरे, बादल फिरे, फिरे नदी के पानी, अरे सुरवीर जो बोले तो वो हो जाए वीर। ठीक है कविराज, वो ताकत भी मैं देख लूंगा। सिपाहियों, ले जाओ कविराज को कैद खाने में और उसके अपने राजा को मिलवा दो। पृथ्वी। कौन? पृथ्वी, पृथ्वी मेरे दोस्त, मेरे भाई। चंद, नराधम ने तेरी आंखें फोड़ने से पहले मेरी आंखों को क्यों नहीं फोड़ा? मेरे मित्र बोल, चंद बोल मेरे दोस्त। तू कहता था वो सच हो गया, भोग विलास में जो मैं रहा उसी का अंत है ये। माँ भारती को अब मैं इस आंखों से फिर कभी जिंदगी भर देख नहीं पाऊंगा। नहीं ऐसा मत बोल। तेरे पास होगा तो तलवार दे, मैं मौत चाहता हूँ। मौत जरूर, पर बादशाह को मौत के घाट उतार के। मतलब? मतलब तू अपनी शक्ति भूल गया, तेरी हिम्मत हार गया, और बरसों तक पिंजरे में रहने वाला शेर भी मौका मिलते ही दुश्मन पे वार करना नहीं भूलता। हिम्मत और ताकत तो अभी भी जिंदा है चंद, पर मौका। पृथ्वी, वो सोच के आया हूँ मित्र, मेरा शब्द रूपी इशारा और तेरा सटीक निशाना दुश्मन को घाट उतारने के लिए काफी है, और इतिहास साक्षी रहेगा कि पृथ्वीराज अंधा होने के बाद भी अपनी माँ भारती के लिए मर मिटा। समय खत्म हुआ कविराज। सही बात है मेरे भाई, समय पूरा हुआ, अभी सिर्फ काम करना ही बाकी है। पृथ्वी, अभी अपन थोड़े समय के लिए जुदा होते हैं, अब सीधा मिलेंगे सुल्तान के दरबार में, और वहां से साथ में जाएंगे बड़े दरबार में। तब तक जय माता जी। जय माता जी। कविराज, हमने सारी तैयारियां कर दी है, अब कहो आपका मित्र प्रमाण देने के लिए तैयार है? हाँ बादशाह सलामत, आप इसे धनुष बांधने का आदेश दीजिए। इसको इसका ही धनुष बांधो। लो पृथ्वी, तेरा धनुष बाण आ गए। यही धनुष बाण है जो राजा राम ने रावण को मारा, यही बाण से वार करके अर्जुन जीता, यही बाण से त्रिपुरारी ने अपनी जीत हासिल की, यही बाण उठा के लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची, आज वही बाण फिर से तैयार है। वाह देवी पुत्र वाह, अभी डंके की आवाज के साथ तुम्हारे अंध मित्र को कहो कि प्रमाण दे।
हे कतार से लगा है देख 24 गांठ, राजा बैठा वहां पर। हे सामने सुल्तान यूं विराजे, हे उठा धनुष और लगा निशाना। जय मां भारती। हे माँ यमुना, चंद बारोट की भविष्यवाणी सच हुई। मेरी जिद और ईर्ष्या कलंक भरे काले कामों की वजह से मैंने अपनी इज्जत खोई, बेटी खोई, पृथ्वीराज जैसा जवाई खोया, हिंद माता जैसी माँ को मैंने परदेशियों के हाथ बेच डाला। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है माँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है माँ। मुझे अपने अंदर संभालो माँ, मुझे अपने अंदर संभालो माँ, संभालो माँ। ओ बाला सा जानन तू